हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट नो के चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विजया बैंक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विजया बैंक जो कि उनका एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर काफ़ी समय चर्चाएँ गर्म हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि सर विजया बैंक का रिजल्ट आउट हो चुका है, ये चोरी छुपे हुआ है, सिर्फ सेलेक्टेड बच्चों लोगों को ही मैसेज जा रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि मेरा इंटरव्यू भी हो गया सर, किसी ने कहा है मुझे मैसेज करके पिछले वीडियो में कि समय 29 मार्च को इंटरव्यू था, कुछ लोग कह रहे हैं मेरा 30 तारीख को है, कुछ लोग कह रहे हैं मेरा 1 अप्रैल को है। तो जी दोस्तों, मैं उसी बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सभी को मैं मैसेज पर्सनली नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए एक ऑफिशियली वीडियो बना के आपको बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। मैंने गूगल पर काफ़ी सर्च किया, इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर भी सर्च किया, यहाँ तक कि विजया बैंक में मुंबई से ही हूँ, तो मैंने मुंबई के विजया बैंक से ही बात की एक एग्जीक्यूटिव से। तो सभी ने सब कहना है कि रिजल्ट अभी तक रिलीज़ ही नहीं किया गया है, तो लोगों को इंटरव्यू का बुलावा कहाँ से आ रहा है, लोग क्यों झूठी अफवाहें फैलाते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट जो सीरियस हैं, एग्ज़ाम दिए हैं कि वाकई हाँ मेरा अभी पेंडिंग है रिजल्ट, मैं मेरिट में हूँ, मेरे पेपर अच्छे गए हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रही है। उन लोगों को दिक्कत नहीं होती जिनके मार्क्स ऑलरेडी जो जानते हों कि हाँ मेरा पेपर बेकार गया, बस वो फैला दो अफवाह कि हाँ रिजल्ट आउट हो गया, कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया। क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं उनका काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी माइंडली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार बैंक में धांधली हो रही है, सरकारी नौकरी है। तो दोस्तों, जब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि विजया बैंक ने एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला कि फॉर्म रिलीज हो रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के, आप सभी ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे, फिर आपको हॉल टिकट जारी हुआ, फिर आपका एग्ज़ाम हुआ, ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ, सेंटर पे आप गए, आपने बाकायदा एग्ज़ाम दिया, फिर आपके पेपर कलेक्ट हुए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हुआ है, कुछ ऐसा नहीं। धांधली करना ही होता तो वो ऑफिशियली इतना नोटिफिकेशन करके ताम झाम करके सब करने की क्या ज़रूरत होती। उसके बाद भी नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो रिजल्ट निकालने में उनको क्या दिक्कत होगी। जी हाँ दोस्तों, विजया बैंक को रिजल्ट निकालने में क्या दिक्कत हो सकती है, अगर उनको मानना सिलेक्शन ही लेना है तो भी वो पास फेल जो भी है लोगों का ऑफिशियली वेबसाइट पे रिजल्ट तो दे ही देते ना। अगर उनको धांधली करनी है तो सेलेक्टेड बच्चों को ले लेना है, लेकिन आपको एक रिजल्ट तो दे ही देते ताकि हम सबका मुंह बंद हो जाता। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि विजया बैंक ने कोई नोटिस जारी ही नहीं की, विजया बैंक ने किसी भी प्रकार की भर्ती शुरू की ही नहीं है, क्योंकि विजया बैंक ने एग्ज़ाम लिया है, उसको पेपर जांचने में भी समय लग रहा है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर हुए थे आपको ही पता है, ओएमआर सीट पर भी नहीं थे कि कम समय में जाँचा जा सके, काफ़ी स्टूडेंट आ गए थे, एक्सपेक्टेड सीट के हिसाब से स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई थी, और पेपर जो है ऑफलाइन हो गया था, डिस्क्रिप्टिव भी है, तो दोस्तों पढ़ने में समय लगता है, जांचने में समय लगता है, जिसकी वजह से अभी रिजल्ट आने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। देखिए यहाँ पे ऑफिशियली मैंने पता किया है गूगल से, तो गूगल पे मैंने काफ़ी सर्च किया, तो देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है साफ साफ कि रिजल्ट डेट जो है वो अप्रैल में आएगा। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल में इसका रिजल्ट आएगी, बाकायदा ऑफिशियली आएगा, लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के, नेम पासवर्ड जो भी है आपका वो डालिए, वहाँ पे चेक कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ पास वाले ही, फेल भी है जो और पास भी हैं, वो तभी पता चलेगा जब अपना नंबर आप वहाँ पे डालते हैं, क्योंकि जैसे ही रेलवे या फिर अदर वैकेंसीज निकलती हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं नेक्स्ट राउंड के लिए, वहाँ पे येस और नो करके आएगा कि येस यू आर क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट राउंड और यस यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट राउंड। तो जो कुछ भी है पास या फेल, दोनों ही सूरतों में आपका अपडेट वहाँ पर आएगा, तो आप निश्चिंत रहिए, कोई रिजल्ट नहीं आया, किसी को कोई इंटरव्यू नहीं आया, ये सिर्फ एक अफवाह है, लोग सिर्फ कह दे रहे हैं कि हाँ मेरा इंटरव्यू हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, आप इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो चीज़ें ऑफिशियली होती हैं दोस्तों वो ऑफिशियल होती हैं, किसी के घर की चीज़ नहीं है, सरकारी नौकरी है, सरकारी जॉब है, ये बैंक है, भारत इतना प्रतिष्ठित बैंकों में से एक है विजया बैंक, और जो कुछ भी होने वाला है आप उसको बाकायदा अप्रैल में ही रिजल्ट आए, क्योंकि 1 अप्रैल को इसका विलय होने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में, तो ये भी प्रोसेस साथ में चल रहा है, और रिजल्ट भी ऑफलाइन मोड में हुआ था, एक्सपेक्टेड से लोग ज़्यादा आ गए, तो इन्हीं सब कारणों की वजह से रिजल्ट को आने में देरी हो रही है। नहीं तो आपने देखा था कि फॉर्म को 7 दिन में भरा गया, 2 दिन के बाद हॉल टिकट आ गया और आपका एग्ज़ाम हो गया, काफ़ी फटाफट प्रोसेस हुआ था ताकि 1 अप्रैल से पहले रिजल्ट जारी कर दिया जा सके, बट कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाती है सम टाइम, ऊपर से ये सीबीटी एग्ज़ाम नहीं था दोस्तों, आपको ही पता हो ओएमआर सीट में भी नहीं था, तो इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धांधली हो रही। जी हाँ दोस्तों, ये तो कुछ लोगों का ऐसा है कि थोड़ा भी दिक्कत हुआ रिजल्ट आने में, धांधली हो रही है, लोगों का भर्ती होना स्टार्ट हो गया, बेवजह फालतू बातें लोग ना करें, जो बच्चे अच्छे सीरियसली पढ़ रहे हैं, जो जिन्होंने काफ़ी अपना समय दिया है इस एग्ज़ाम के लिए, तो उनको परेशान ना करा जाए, और ये अफवाहों को मत फैलाइए, जो भी फैला रहे हैं मैं उनकी से ही कह रहा हूँ बातें। और दोस्तों, अगर आपको कुछ पूछना हो इस वीडियो के बारे में या फिर इस विजया बैंक के रिजल्ट के बारे में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।